वक्त बीतेगा और प्राइस कटेगा। जय किसान दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक फ्रेश न्यू वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में क्लिक करके आए हो तो या तो आप टेक वाले बंदे हो और या तो आपको 20 से 25,000 की रेंज में फ़ोन लेना है। तो अभी दोनों के सर्च रिजल्ट पर एक ही Realme 10 सीरीज़ के दो फ़ोन दिखा रहा है YouTube, Realme 10 Pro 5G और Realme 10 Pro Plus 5G। अगर आप ये फ़ोन लेने वाले हो या किसी को रिकमेंड करने वाले हो तो रुको, ज़रा थोड़ा सब्र करो। आपको जो इन्फॉर्मेशन बताता हूँ उससे आपका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी ये Realme के दोनों फ़ोन्स में थोड़ा वक्त बीतने के बाद प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। मुझे पता है कि आप भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा YouTube चैनल नहीं है और ना ही मैं वेल नोन यूट्यूबर हूँ। पर अब ऐसा नहीं है, मेरे जैसे स्मॉल क्रिएटर भी बड़ी बड़ी रिसर्च करके जेन्यून इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जो मैंने आपको प्राइस कम होने की बात बताई उसकी भी मैंने पूरी रिसर्च की है, और अब आपको बताता हूँ कि मेरे को क्यों लगता है कि प्राइस कम होगा। जो अभी Realme 10 सीरीज़ के पहले Realme 9 सीरीज़ आई उसका प्राइस ग्राफ देख लो आप। Realme 9 Pro 5G का एवरेज प्राइस 18,000 से 18,400 के बीच में था, और जो सेल में 15,600 पे बिका था और बैक डिस्काउंट अलग से। अब उसके बड़े भाई 9 Pro Plus 5G का भी प्राइस ग्राफ देख लेते। एवरेज प्राइस था 25,000 और 22,000 पे बिका था, 3,000 का प्राइस ड्रॉप देखने को मिला था। और मेरे एक दोस्त को लेना था, इसलिए मुझे पता है कि बैंक ऑफर के साथ 18,000 में मिल रहा था BBD सेल में। और अभी आपको किसी की फ़ोन की प्राइस देखनी हो तो आप pricehistory.com पे पूरी हिस्ट्री देख सकते हो उसकी, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पूरी हिस्ट्री देख ली है अपने फ़ोन की, तो इसलिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से आपको अर्जेंट नीड नहीं है तो वेट कर लेना चाहिए, और अर्जेंट नीड है तो अभी फ्लिपकार्ट में 16 दिसंबर से सेल स्टार्ट होगा, तब आपको Realme 9 Pro Plus 5G और दूसरी अच्छी डील्स देखने मिल सकती है। उस पर फोकस करना चाहिए और जो अच्छी डील मिले उसे ग्रैब कर लेना चाहिए। और अच्छी डील का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।